सीएम की रैली जाते समय पंजाब सरकार ने रोका है, क्या कहेंगे इस तरीके से रोक है? देखिए, जिस तरीके से पंजाब में यह निंदनीय घटना हुई है, उससे पूरा देश एक तरीके से संसार हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है वो पूरे देश के लिए, भारत का गौरव है, और यह एक तरीके से असंवैधानिक घटना है, क्योंकि किसी भी राज्य में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है कि उनका स्वागत करें और वहाँ की कानून व्यवस्था या उनके रूट की जो व्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से एक आवागमन ऐसा रहे कि जहाँ कोई आ नहीं जा सकता है, जिससे प्रधानमंत्री का जब तक कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से फ्लाईओवर पर वह 20 मिनट तक फंसे रहे, निश्चित रूप से इस तरीके से पूरे देश को, हम ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री को नहीं, पूरे देश के 130 करोड़ भारतवासियों को अपमानित करने का एक काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनके मुख्यमंत्री चन्नी ने किया है। ये पूरे देश को उन्होंने अपमानित किया है। प्रधानमंत्री का पद ऐसा पद होता है कि जो एक पूरे राष्ट्र का गौरव होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरीके से उन्होंने अपमानित किया है, इसलिए आज हम सभी लोगों ने यहाँ बस्ती में शास्त्री तिराहे पे अधिवक्ताओं के साथ एक पुतला दहन चन्नी का और कांग्रेस के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं कि अपनी इस ओछी मानसिकता को, निश्चित रूप से आपकी ये ओछी मानसिकता नहीं चलने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री ने धन्यवाद तो दे ही दिया कांग्रेस को। प्रधानमंत्री ने धन्यवाद जिस तरीके का दिया है कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट आ पाया, मतलब उनकी जो एक साजिश थी, क्योंकि आप जानते हैं इसके पहले भी हमारे देश में दो प्रधानमंत्री इसी तरीके की कुछ दुर्घटनाओं के कारण जिन्हें देश ने खो दिया था, तो हमको लगता है कि उनके इस दुष्प्रयास का ये कारण था कि वो सोच रहे थे कि इसी तरह से की कोई घटना घटित हो जाए। लेकिन हम सभी लोगों सौभाग्यशाली हैं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है और सभी कार्यकर्ताओं की आज ये ऐसी आत्मबल और ऊर्जा उनके साथ है कि उनको कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से 130 करोड़ देशवासी उनके प्रति अपना प्यार, पूरे देश में कहीं कोई ना कोई पूजा कर रहा है, कोई उनके लिए अर्चना कर रहा है, कुछ उनके लिए लंबी उम्र की आयु की कामना कर रहा है, मैं सबको धन्यवाद दूंगा। जो आप लोगों में किस तरीके से रोष है और आपने रोष किस तरीके से प्रकट किया? ये बहुत बड़ा रोष का विषय है, क्योंकि ये बहुत संवैधानिक पद है, इसके साथ अगर इनके साथ भी हो रहा है कि कोई भी जनमानस भारत का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, ये अपने लिए बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। ये दो बार ऐसी घटना देश को झेलना पड़ा है, लेकिन इसमें भी कांग्रेस को आज नहीं खुली है। ये माननीय प्रधानमंत्री को हत्या करने का दुष्प्रयत्न रचा गया है और ये बहुत छेम दुख बड़ी घटना है। लेकिन वहाँ की सरकार ने एक अधिकारी पे कार्रवाई भी की, सस्पेंड भी किया, तो आप क्या? वो कार्रवाई के कोरम पूरा करने का और कोई आधार नहीं है। जब ये इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है तो कार्रवाई केवल कोरम पूरा और कोई इसमें कुछ और नहीं है, ना मौके मुख्यमंत्री गए ना और कोई गए, केवल कोरम पूरा है। ये पीएम की रैली में जाने से रोका गया, कार्रवाई भी हुई सरकार की, फिर आप लोगों में क्यों इतना गुस्सा है? देखिए, जिस तरीके से भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान हुआ है, हम सभी अधिवक्तागण और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इससे क्षुब्ध हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक अलग प्रोटोकॉल होता है। हम देखते हैं प्रधानमंत्री जब हमारे विदेश में जाते हैं, विदेशों में अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, वहाँ की सरकार भी उनकी सुरक्षा को लेकर के इतनी चिंतित रहती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐसी साजिश किया जो बिल्कुल अक्षम्य है, इससे हम बहुत आहत हैं और निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हैं, उनके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उनके मुख्यमंत्री की निंदा करते हैं, और प्रधानमंत्री जी के ऊपर 130 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है, इसलिए प्रधानमंत्री जी सकुशल वहाँ से चले आए। और इतनी बड़ी घटना, जिस तरीके से वहाँ पे किसानों ने आंदोलन किया और वहाँ की सरकार बिल्कुल कह रही है कि, देखने के बाद भी कह रही है कि हम किसानों को नहीं रोक सकते हैं, इससे पंजाब सरकार की लचर व्यवस्था भी सामने आ गई। जो एक कार्रवाई तो सरकार ने की, कांग्रेस सरकार ने की, वहाँ कांग्रेस सरकार ने सिर्फ इसलिए कार्रवाई जो उसने दिखावा है, जनता को दिखावा है, चूँकि पंजाब में चुनाव है, अपने आप को दिखाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस की जो अंदर की साजिश है वो प्रधानमंत्री जी को देश के सामने एक तरीके से समझिए, उनकी लोकप्रियता से वो घबराए हुए हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी को एक समझिए उनकी हत्या की साजिश करने की साजिश। बड़ी चूक है, क्या आपको लगता है राष्ट्रपति से मोदी, पीएम मोदी मिले भी, तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल लगना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे जो भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ तैयार होना चाहिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ तैयार होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और जल्द से जल्द
सरकार को बर्खास्त करना चाहिए।